फॉलो करिए आप, क्या है, हर 3 दिन में आपको जिसमें बेसिन साफ करना होगा, कमोड साफ करना होगा। महादेव अब रह गए 65 डेज। मैंने वेट चेक किया, वेट क्या चेक करता, मशीन ही टूट गई थी यार। Going for two. Look at this. Can you guess the weight? Look, what the fuck? सिद्धांत जायसवाल अपने ऑफ सीजन में क्या कर रहे हैं, एंड आज हम बात करेंगे हरविंदर सिंह, अनुज तालियान, दीपक नंदा, जस्सी राजपूत, इमरान खान सुंदरम एंड भुवन चौहान के लेटेस्ट फिजिक अपडेट के विषय में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले बॉडी बिल्डर हैं जस्सी राजपूत और इनके कोच है नितिन चंडीला, जो कि IBBF फेडरेशन से खेलते हैं, जबकि जस्सी राजपूत IFBB फेडरेशन से खेलते हैं, मतलब कि ये सेरू क्लासिक एंड अमेचर ओलंपियो में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इन्होंने जो दिल्ली में सेरू क्लासिक हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे, तो उसमें इनकी प्लेसिंग 3rd नंबर पे आई थी। अब ये मुंबई में होने वाले अमेचर ओलंपिया में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड वो अपने यहाँ पर रिसेंट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं। अपने यहाँ पर उन्होंने फ्रंट की एंड बैक की यहाँ पर कंडीशन शेयर किया है। तो दोस्तों आप लोगों को जस्सी राजपूत की इस अपडेट को देख के क्या लगता है, क्या जस्सी राजपूत इस बार अपने सेकेंड शो में मुंबई में गोल्ड मेडल जीत पाएंगे कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं हरविंदर सिंह। दोस्तों हरविंदर सिंह ने भी कुछ अपने रिसेंट पिक यहां पर शेयर करते हैं, और इन फोटो को देखने से ऐसा लग रहा है कि हरविंदर सिंह भी अभी हाल फिलहाल में किसी कंपटीशन में कम्पीट करने वाले, जैसे कि दुबई प्रो शो। लेकिन दोस्तों हरविंदर सिंह इस पिक के नीचे ऐसा कोई भी हिंट नहीं देते कि ये उनकी रिसेंट फिजिक अपडेट है या फिर सेरू क्लासिक के प्रैप के टाइम की वो पिक यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। यदि ये इनकी रिसेंट फिजिक अपडेट होगी तो ये जल्द से जल्द, मतलब कि 1 से 2 हफ्ते के बीच में किसी कंपटीशन में कम्पीट करने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इनके मिड सेक्शन और ओब्लिक की कंडीशन को देख के समझ सकते हैं कि इनकी बॉडी स्टेज में जाने के लिए तैयार हो चुकी है, जैसा कि हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई भी हिंट नहीं दिया कि ये इनकी रिसेंट फिजिक अपडेट है, शायद ये सेरू क्लासिक के टाइम की कुछ पिक यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। हरविंदर सिंह की तरफ से आगे जो भी अपडेट आएगी, क्या वो किसी कंपटीशन में कम्पीट करने वाले हैं या फिर वो मुंबई में होने वाले अमेचर ओलंपिया में ही कम्पीट करेंगे, उनके तरफ से जो भी अपडेट आएगी हम सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आ जाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही सुंदरम की तरफ से, और सुंदरम ने कन्फर्म भी कर दिया कि वो मुंबई में होने वाले अमेचर ओलंपिया में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उन्होंने अपनी प्रेप ऑफिशियल रूप से स्टार्ट कर दी है, जैसे कि आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वो एक फोटो भी शेयर करते हैं जिसमें आप उनकी बॉडी को साइड एंगल से देख सकते हैं कि बॉडी में आपको फैट परसेंटेज कम दिखेगा, बॉडी में लीन मसल मास गेन करने की ओर फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस बार सुंदरम फाइनली मुंबई में अमेचर ओलंपिया में प्रो कार्ड हासिल कर पाएंगे कि नहीं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब इन्होंने दिल्ली में सेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट किए थे तो उसमें ये सिल्वर मेडल जीते थे, और उसके पहले वाले शो में उस समय उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो क्या फाइनली सुंदरम अमेचर ओलंपिया में प्रो कार्ड हासिल कर पाएंगे कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूज के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही इमरान खान की तरफ से। इमरान खान अपने रिसेंट फिजिक अपडेट शेयर करते, इस वीडियो को शेयर करते हैं, और वो यहाँ पर बताते हैं कि अब वो केवल 1 हफ्ता दूर है अपने प्रो शो से। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये दुबई प्रो शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि 24 सितंबर को दुबई में होने वाला है, और आप यहाँ पर इनकी रिसेंट कंडीशन देख सकते हैं कि बॉडी शार्प एंड रिप्ड दिख रही। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि इनके बॉडी के प्रेजेंट टाइम में फैट परसेंटेज 3.5, और इन्होंने अपना पीक वीक स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों ये सोचिए कि पीक वीक के स्टार्टिंग में जब इनकी बॉडी की कंडीशन का लेवल ये है, तो जब ये अपने पीक वीक को हिट करेंगे तो इनकी बॉडी की कंडीशन का लेवल किस लेवल तक जा सकता है। तो दोस्तों इस बार इमरान खान से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि वो दुबई प्रो शो को जीत के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सके। अब हम अपने नेक्स्ट अपडेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है अनुज तालियान की तरफ से। अनुज तालियान अपने रिसेंट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं, इस पिक को शेयर करते हैं। जैसे कि हमने आप सभी को बताया कि अनुज तालियान भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि नवंबर मंथ में होने वाली है, और नवंबर मंथ से पहले ही आप यहां पर इनकी कंडीशन देखिए, चाहे आप यहां पर इनके चेस्ट में फोकस करिए या कंप्लीट आर्म्स में, मतलब कि शोल्डर, बाइसेप, फोर आर्म्स, आप यहां पर देखेंगे कि आपको फाइबर साफ तौर पर दिख रहे होंगे, मिड सेक्शन एंड ऑब्लिक भी क्लियर रूप से विजुअल हो रहे हैं। तो दोस्तों यदि ये अनुज तालियान की प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है, तो ये तो कंफर्म है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप अनुज तालियान ही जीतने वाले हैं।
आप लोगों को अनुज तालियान की इस कंडीशन को देख के क्या लगता है? क्या आप लोग भी ये कह सकते हो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल इंडिया ही आने वाला है कि नहीं? आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है दीपक नंदा की तरफ से। दोस्तों ये कंफर्म है कि दीपक नंदा भी मुंबई प्रो शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अब इनको 65 डेज बचे हुए हैं, तो वो अपने 65 डेज से रिलेटेड अपडेट यहाँ पर शेयर करते हैं, तो उसको सुन लेते हैं। और महादेव अब रह गए 65 डेज। मैंने वेट चेक किया, वेट क्या चेक करता, मशीन ही टूट गई थी यार। फिर नहाया धोया, फ्रेश हुआ, उसके बाद जल चढ़ाया, महादेव की पूजा की और महादेव कैंडी कैंडी कालू चिंगी मिंगी वाला ग्रीन बुक उनको खाना दिया। फिर अपनी थोड़ी पोजिंग करी, फिर इनको घुमाना लेके गया, फिर अपनी मील को पैक किया भाई। फिर सारी मील पैक करने के बाद भाई मैं निकल गया कुलदीप भैया के जिम के लिए। फिर वहाँ से फिर मैंने एक मील गाड़ी में ही खा ली। फिर मैं पहुँचा कुलदीप भैया के जिम। फिर भैया ने रेडी कर दिया मुझे, जैसे लड़ने जा रहे होते ना कहीं जंग पे, वैसे रेडी कर दिया। ताबड़तोड़ तरीके से बैक कराई भाई, हालत ना एकदम ख़राब कर देते हैं यार, पूछो मत आप। ये देख रहे मेरी हालत, देसी तरीका भाई पसीना पोंछने का। उसके बाद भाई बैक का वर्कआउट फिर चालू करा भैया ने, करता रहा। उसके बाद भाई ये देखो हालत मेरी क्या। तो भैया ने कहा चल चल अभी बहुत पिक्चर बाकी बेटा। फिर बैक का वर्कआउट चालू दोबारा से, फिर थोड़ा कॉलर, फिर थोड़ा सा पानी पिया, रेस्ट किया। उमंग की हालत देखो भाई, लड़खड़ाता चल रहा है। ये देखो उसकी हालत भी ख़राब हो गई थी। उमंग कह रहा चल चल घर निकल लेते हैं जल्दी से। उसके बाद भाई थोड़ा हैप्पी बर्थडे किया। फिर भाई थोड़ी पोजिंग प्रैक्टिस कराई भैया ने हमारी। बॉडी प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा खेला कपिल के साथ। फिर महादेव आज के ब्लॉग के साथ ये मेरी आज की सेल्फी। हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है अली बिलाल की तरफ से। अली बिलाल ने कन्फर्म कर दिया कि वो 17 सितंबर को यूरोपियन प्रो शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि स्पेन में होने वाला है। उसी से रिलेटेड वो यहाँ पर अपनी रिसेंट कंडीशन का ये वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें आप इनके कंप्लीट बॉडी को देख सकते हैं। बॉडी रिप्ड एंड शार्प दिख रही, बॉडी की कंडीशन भी टॉप नॉच में दिख रही। एंड दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या अली बिलाल बैक टू बैक इस शो को जीत पाएंगे कि नहीं? आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब अली बिलाल की तरफ से जिस वीडियो को शेयर किया गया उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद सिद्धांत जायसवाल ने आप लोगों को क्या चैलेंज किया उसको देखेंगे। Can you guess the weight? Look, what the fuck? Boom! Look. Fucking hell. Fucking crazy. So guys, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारा चैलेंज फॉलो कर रहे हैं। तो चैलेंज नहीं, आप हमारा लाइफ स्टाइल फॉलो करिए। आप क्या है, हर 3 दिन में आपको जिसमें बेसिन साफ करना होगा, कमोड साफ करना होगा और बस साफ करिए और फिर मुझे टैग करिएगा, देखूं। बड़े बड़े चैलेंज आप कर रहे हो, थोड़ा ये भी करो, इसमें मजा आएगा। नो मैटर हु यू आर, आपको ये करना पड़ेगा, चाहे आप आईएफबीबी प्रो हो, चाहे कुछ भी हो, ये तो आपको करना पड़ेगा। नाउ भाई का टाइम। अब देखते हैं कि सिद्धांत जायसवाल के इस चैलेंज को कौन कौन एक्सेप्ट करता है। आगे जो भी अपडेट आएगी वो हम सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आ जाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा।